फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर कितनी, तो 18, जिसमें 65% स्टूडेंट ही क्वेश्चन को सॉल्व करके सही कर पाया है, बाकी लाखों स्टूडेंट क्वेश्चन को गलत कर दिया। ठीक है, तो मैच द साइंटिस्ट का मैचिंग करनी है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है पाश्चर, सेकेंड लेविनस्की, थर्ड बेजरैंक और फोर्थ स्टैनले। यहाँ पे कुछ कोड भी दिख रहा है, तो आई होप आपको इसकी आंसर ज़रूर पता होगा। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। यानी फर्स्ट का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट का ए, सेकेंड का बी, थर्ड का सी और फोर्थ का डी, सब उसके सामने वाला ही ऑप्शन सही होगा। यानी पाश्चर वायरस को गिवन किया, यानी खोजा था। लेविनस्की ने रिकॉग्नाइज किया था टबैको म्यूजिक, जो कॉज है माइक्रोब्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इसके अलावा जो बेजरैंक है उसने डेमोन्स्ट्रेटेड किया था एग्जैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टबैको प्लांट कोल्ड केजेज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। जो स्टैनली है वो शो दैट द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज होता है, ये बात कही थी। अब यही चीज हम डायरेक्ट एनसीईआरटी से देखेंगे, तो देख सकते हैं आप फर्स्ट ऑप्शन आंसर हुआ था। तो यहाँ पे हम ये कह सकते द नेम वायरस दैट मीन्स विनोम या पॉइजनस, जो फ्लूड होता है, जो फ्लूड होता है वाज गिवन बाय डी लेविनस्की, रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द म्यूजिक डिजीज ऑफ टबैको। सेकेंड जो बेजरैंक है डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एग्जैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टबैको कोड कैसे इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स, जिसे फ्लूड एज कंटीगिनम विवम फ्लूडम कहेंगे, जो इन्फेक्शन लिविंग फ्लूड होता है। जो स्टैनली है वो शो किया था दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन, हमें देखने को मिलता है। ये चीज़ आप डायरेक्ट एनसीईआरटी में जा कर के देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 26 पे चले जाइए, आपको ज़रूर ये स्टेटमेंट मिलेगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।